ना उनका यहाँ पे कोई आधार है, ना वो कुछ कर पाएंगे। वो यूपी में आए, आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला। वो गोवा में गए, उनको वहाँ कुछ नहीं मिला। वो प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी लड़े, उनकी जमानत जब्त हुई। ये अपने आप में दिखाता है कि केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनका आधार नहीं है। हिमाचल में आम आदमी पार्टी का यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कांग्रेस 10 साल सत्ता में रही, 2004 से 14 तक, उससे पहले भी रही, लेकिन वन रैंक वन पेंशन कभी पूरा नहीं किया। मोदी जी ने 2014 में वायदा किया था और अपने पहले 5 वर्ष के कालखंड में ही उन्होंने इसको लागू भी किया और हजारों करोड़ रुपया पूर्व सैनिकों को देने का काम किया। जो देश का कोई राजनीतिक दल नहीं कर पाया, वो मोदी जी ने पूर्व सैनिकों के लिए किया है। हजारों करोड़ रुपए की सौगात दी है। पार्टी में महामंत्री आदरणीय पवन सर, प्रकोष्ठ के मंडल के सीनियर कैप्टन सुरेश जी, प्यासन जी प्रेसिडेंट पुलिस मेडल, इंस्पेक्टर हमारे संसार, लेकिन एक मौका तब आया जब हमारे